हेलो, स्वागत है आपका योगेश शर्मा क्लासेस में। तो अल्टीमेटली आज हमारे एडमिट कार्ड आ चुके हैं यूपी सैनिक स्कूल, जिसका एग्जाम 24 अप्रैल को होना है। तो चलिए देखते हैं कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, मेरे को लगे मैं अपनी मेहनत का वर्थ पा रहा हूँ। बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं सीधे वीडियो पर। सबसे पहले यहाँ टाइप करोगे आप लोग यूपी सैनिक स्कूल। जैसे यहाँ यूपी सैनिक स्कूल टाइप कर रहे होंगे बच्चे, आप यूपी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। बच्चे यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक नहीं करना बच्चे, आपको सीधे जाना है एडमिशन 2022-23। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके फ्रंट पेज पे यानी होम पेज पे आ जाएंगे, यो कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे। अगर इस तरीके का मैसेज शो करे तो आपको इसको प्रोसीड टू कर देना है, तो आपका ठीक हो जाएगा। आप क्रोम में यूज़ करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, ये जो नोटिफिकेशन इसके लिए दे रखा है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ दिखेगा, ऊपर दिख रहा होगा बच्चे एडमिशन 2022-23। आपको यहाँ क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी यूपी सैनिक स्कूल की तरफ से। जैसे आप नीचे करेंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ इसके बारे में नोटिफिकेशन दे रखी है इन्होंने, और यहाँ नीचे लिंक दे रखी है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो हमें इस लिंक पर क्लिक करना है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम जो मोबाइल नंबर आपने इसमें फॉर्म फिल करते समय भरा था वही यूजर नेम आपका है, और जो पासवर्ड है पासवर्ड आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक आया होगा एसएमएस के थ्रू, आपको वही भरना है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे का भर के दिखाता हूँ आपको, जैसे इसका जो भी है मैं यहाँ भर रहा हूँ। इसी प्रकार से आपका जो भी है मोबाइल नंबर आपने फॉर्म फिल करते समय इसमें रखा था वही आपको भरना है यहाँ। इसी तरीके से यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप जो आपके मैसेज के थ्रू आपको प्राप्त हुआ हो। तो आप देखेंगे सर कि यहाँ हम इस तरीके से फिल करेंगे इस चीज़ को। फिल करने के बाद नीचे आपको क्या करना है, सीधे कैप्चा कोड को फिल करना है 21+5 26। आप देख रहे होंगे 26 फिल करेंगे, यहाँ से लॉग इन करेंगे बच्चे। जैसे यहाँ से लॉग इन करेंगे यहाँ दिख रहा होगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन, यहाँ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आपको सबसे आखिरी से एक पहले आपको दिख रहा होगा प्रिंट एडमिट कार्ड। तो यानी एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे आपको जाना है प्रिंट एडमिट कार्ड, और यहाँ लिखा हुआ सब सब डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ निकल कर इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए